लोग स्टार स्टेशन जाएंगे। हाँ, वहाँ पे बहुत सारे महंगे महंगे चीजा भी मिलते हैं और मम्मी के पैसे उड़ाने में मजा आएगा। चलो चलते हैं। ओके हाँ, चलो चलते हैं। हाय दीदी, आप कैसे हो? हाय, मैं अच्छी हूँ। आप तीनों के पॉकेट मनी मिल गई? हाँ दीदी। तो मैं आपको सबको स्टेशनरी दूंगी। ठीक है दीदी। दीदी मुझे ये चाहिए। ये वाला? हाँ ठीक है, ले लो। दीदी मुझे ये चाहिए। ये वाला? हाँ ठीक है, ले लो। आपको क्या चाहिए माहिरा? दीदी मुझे ये चाहिए। ये तो 200 रुपीज का है। 200? ठीक है दे दो। आप अयान, आपको क्या चाहिए? मुझे चाहिए ये केक। ये तो 300 रुपीज का है और ये 200 का। हाँ, आपको अभी कुछ चाहिए? कुछ भी नहीं। तो आपका है ना 500 हो गया, आपकी करेक्ट हो गया, क्योंकि आपको 500 रुपीज पकड़ा। दीदी आपको आपके 300 बचना। आप अभी 200 का क्या तो ले लो मेरा। 200 का कुछ तो ये कंपास बॉक्स दीदी मुझे ये चाहिए। ये तो 50 रुपीज का है। पाउच तो 200 रुपीज का है। ठीक है मेरा है 500। हाँ सब तो 500 हो गया। तो मैं एक बार कैलकुलेशन कर देती हूँ जो प्राइसेस का ये होता है ना। ठीक है, आप ही करेक्ट हो गए। आपके 500 रुपीज बैक। बाय। ओके बाय दीदी। बाय बाय। अरे यहाँ से कहाँ चला गया स्मार्ट वॉच? मैं तो अभी देखा था, यहाँ ही था वो। शायद किसी ने ले लिया। ठीक है छोड़ो, मुझे तो मालूम था इसमें कौन भी खिलाया खरीदा है नहीं, लेकिन कैसा खरीद लिया। गो। अरे नहीं यार, मैं नहीं आ सकती। मम्मी मम्मी हम आ गए। अरे तुम लोग आ गए? हाँ चल ठीक है, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। ठीक है हाँ ठीक है बाय। अरे तो चलो, क्या क्या लाया मुझे बताओ। मैंने ये लिया। वाओ नाइस सिलेक्शन। ज्योमेट्री बॉक्स और पाउच, वेरी गुड। मैंने स्टेपलर भी, पेंसिल बॉक्स। इतना बड़ा स्टेपलर तुम्हारा मुंह स्टेपल करने के लिए? वेरी गुड, क्राफ्ट में काम आएगा। पेंसिल बॉक्स, वेरी गुड। अपने भाई बहन के साथ शेयर करना। ओके मम्मी मेरे ये कितना क्यूट है। इसके अलावा कुछ और नहीं मिला? ये तो 500। अरे इसमें तो स्टेशनरी भी है। ठीक है चलो, बहुत सारे पेन्स है। अच्छा है, अच्छा वेरी गुड, तुम लोगों ने बहुत अच्छे ला लिए। अब यार आई एम एक्सपेक्टिंग समथिंग फ्रॉम यू। हाँ मम्मी, आपके 500 रुपए। वेरी गुड। अब जाओ, अब तुम लोग अपने रूम में बैठो। ठीक है जाओ मम्मी, इस बार मंथ में कुछ नहीं मांगोगे मेरे से। ठीक है ठीक है। ओके गो बैक टू योर रूम्स। बाय बाय मम्मी। बाय मम्मी। अरे मेरा वो स्केच पेन कहाँ गया? अरे किसका? मम्मी मम्मी। हाँ क्या हुआ माहिरा, क्यों बुलाया? किसका क्या स्मार्ट वॉच है? स्मार्ट वॉच? लेकिन घर में स्मार्ट वॉच कैसे आया? मैंने तो कभी भी कोई स्मार्ट वॉच नहीं खरीदा। मुझे नहीं मालूम मम्मी। क्या तुम्हारा है माहिरा? नहीं मम्मी। अच्छा रुको, अयान हमदान यहाँ पर आओ। हाँ मम्मी। हाँ मम्मी, तुम दोनों में से किसी का स्मार्ट वॉच है? वो मेरे फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट किया। तुम्हारे फ्रेंड ने तुम्हें इतना एक्सपेंसिव गिफ्ट दिया? आओ मेरा बर्थडे। तुम्हारा बर्थडे? वो तो 2 मंथ्स अगो था। मम्मी वो अभी से आया मेरे। चलो ठीक है रख लो, ध्यान से ऐसे अच्छे से ध्यान रखना। ये लो, तुमने उसे ड्रॉअर में क्यों रखा? अच्छे से जाके रखो, जाओ। ठीक है जाओ, हमने अब काम करो सब लोग। ये मेरे बच्चे इतने आलसी हो गए, खुद का बैग भी नहीं जमाते आजकल तो। टिफिन बॉक्स भी नहीं निकालते। सिर्फ माहिरा ही अपना बैग जमा के आ रहा है, यहाँ ना फरमान तो कुछ ही नहीं करते। टिफिन कहाँ रखा है अपना?
ये क्या है? वो इतना बड़ा पेंट का बॉक्स अयान के पास कहाँ से आया? मैंने तो अयान को ऐसा कभी भी कुछ नहीं दिलाया। लास्ट मंथ वो इसकी जिद कर रहा था, शायद वो यही पेंट बॉक्स है। वो कह रहा था मुझे कि उसे कोई पेंट बॉक्स चाहिए, लेकिन अयान यहाँ पर आओ। हाँ मम्मी। ये तुम्हारे पास पेंट बॉक्स कहाँ से आया? मेरे फ्रेंड ने गिफ्ट किया। क्या, तुम्हारे फ्रेंड ने गिफ्ट किए? हाँ मम्मी। तुम्हारे फ्रेंड तुम्हें कोई एक्सपेंसिव गिफ्ट नहीं दे रहे बहुत ज्यादा? बेस्ट फ्रेंड्स हैं। तो उन्होंने तुम्हें ये पेंट बॉक्स दिया? ये तो तुम्हें चाहिए था ना। हाँ मम्मी। चलो ठीक है, जाओ अब तुम। और हाँ, टिफिन बॉक्स निकाल दिया? नहीं, मैं निकाल रही हूँ, जाओ। कब मुझे तो कुछ लगता है क्या करूँ। चलो बाद में देखती हूँ, पक्का मुझे तो कोई डाउट ही है। ठीक है चलो, क्या कर सकते हैं। एक काम करती हूँ, हमदान को बुलाती हूँ। हमदान। हाँ मम्मी। हमदान तुम्हें पता है उनके फ्रेंड्स कौन है? हाँ मम्मी, मुझको पता है, मैं लेके आता हूँ। अच्छा तो तुम्हें पता है, तो तुम्हें उनके नंबर्स पता है क्या? तुम मुझे उसके उनके नंबर्स दे सकते हो? हाँ मम्मी। तो ठीक है, जाकर लेके आओ। ले लो मम्मी। ठीक है, थैंक यू, अब तुम यहाँ से जाओ। बाय मम्मी। क्या कितने अलग नाम है। हेलो। हाँ हेलो बेटा, मैं अयान की मम्मी हूँ। हाँ तो मैं अयान का बर्थडे पता है लास्ट मंथ था क्या? तुम्हें उसका बर्थडे ही नहीं पता था? अच्छा वो सब छोड़ो, क्या तुमने अयान को कोई गिफ्ट दिया, जैसे कि कोई एक्सपेंसिव सा वॉच या फिर कोई पेंट का डब्बा? नहीं। ठीक है, थैंक यू थैंक यू। अच्छा सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग, ओके बाय। इसके तो सिर्फ 3 फ्रेंड्स है, उसमें कौन देगा? फर्स्ट वाला तो नहीं, सेकेंड वाले को कॉल लगाती हूँ। हेलो। हाँ हेलो बेटा, तुम्हें अयान पता है? हाँ मैं उसकी मम्मी हूँ। अच्छा तो तुम्हें लास्ट मंथ उसका बर्थडे था तुम्हें पता है? नहीं। तुम्हें पता है? अच्छा ठीक है, तो तुमने उसे कोई गिफ्ट दिया? क्या दिया तुमने उसे गिफ्ट में? एक पेन का बॉक्स। हाँ उसने मुझे बताया था। ओके थैंक यू, उससे ज्यादा तुमने कुछ नहीं दिया ना? हाँ ठीक है बाय। ये तो सारे मेरे गलत आंसर्स निकल रहे हैं, थोड़ा वाला कॉल करके पक्का इसी ने कोई दिया होगा। हेलो। हाँ बेटा, तुम अयान के फ्रेंड हो? अच्छा तो तुम्हें पता है अयान का लास्ट मंथ बर्थडे था? हाँ तुम्हें पता था। अच्छा तो तुमने अयान को कोई गिफ्ट दिया? तुम आउट ऑफ स्टेशन थे। अच्छा तो तुमने तो कोई एक्सपेंसिव सा ऐसा गिफ्ट दिया, जैसे कि वॉच या फिर कोई पेंट का बॉक्स? नहीं दिया। ओके थैंक यू फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, थैंक यू, ओके बाय। किसी ने भी अयान को गिफ्ट नहीं दिया, इसका मतलब इसने चोरी की है। अब मैं क्या करूं, क्योंकि वॉच तो होता है 2500 ऐसे, और मैंने तो लोगों को सिर्फ 2000 दिया था वो दिन, और उसके ऊपर से उसे इतना महंगा पेंट का डब्बा कैसे मिला। चलो मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। हाय मम्मी, मैं तो आज थक गया स्कूल से आकर। अच्छा तो तुम फ्रेश भी हो गए? हाँ मम्मी। क्या कर रहे हो तुमने आज स्कूल में जो इतना थक गए? बहुत मजा किया, पी पीरियड में क्रिकेट खेले। अच्छा तुम्हें कोई, तुम्हें वो पता है हमारे घर के अपोजिट एक लड़का रहता है? हाँ। तुमसे सिर्फ 2 इयर्स छोटा है शायद। तुमने पता है उसने क्या किया? क्या? उसने चोरी की और उसको चाइल्ड पुलिस लेकर चले गए। हाँ। तुम्हें पता है उसने क्या चोरी की? क्या मम्मी? 10 रुपीज। सिर्फ 10 रुपीज? हाँ। तुम्हें नहीं पता 10 रुपी हो या 1 रुपी, हमें कभी भी चोरी नहीं करनी चाहिए। अगर हम चोरी करेंगे तो हम ऐसे ही करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, और फिर एक दिन हम लोग इतनी बड़ी चोरी करेंगे तो कि हम लोग चाइल्ड पुलिस ने डायरेक्ट पुलिस स्टेशन चले जाएंगे। अब उसे चाइल्ड पुलिस लेकर गया, अब उसे पूरी जिंदगी हॉस्टल में बितानी होगी, बेचारा बच्चा। मम्मी। हाँ। मैंने भी वॉच सीने और पेंट का बॉक्स मैंने भी चोरी किया था मम्मी। क्या तुमने चोरी की थी? हाँ मम्मी, मैं अब एक बार से नहीं करूंगा मम्मी, सॉरी।
लेकिन ऐसे कैसे, मैं तुझे भी चाइल्ड पुलिस के हवाले कर दूंगी। सॉरी मम्मी, मैं भी एक बार से नहीं करूंगा मम्मी। पक्का? प्रॉमिस? प्रॉमिस। ठीक है, अब अगर तू अपना सबक सीख गया तो मैं तुझे नहीं भेजूंगी चाइल्ड पुलिस के हवाले। लेकिन तूने जो भी चोरी किया, जहाँ से भी चोरी किया, जाकर अभी जाकर उसे रिटर्न करके आ जाओ। ओके मम्मी। जाओ, गुड बॉय बनो अभी। ओके मम्मी। हेलो दीदी। हाय आन, तुम्हारे फिर से पॉकेट मिले हुए क्या? नहीं दीदी। तो क्या हो गया? दीदी मैंने ये वॉश ना आपके पंप से चोरी करी थी दीदी। अरे मैं तुमको चाइल्ड पुलिस कर दो दीदी, चाइल्ड पुलिस के हवाले कर दूंगी। सॉरी दीदी, मैं बेबस नहीं करूंगी। अरे ऐसा चोरी नहीं करना चाहिए आन, माफ कर दो दीदी। मैं बेबस, ठीक है, मैं आपको चाइल्ड पुलिस के हवाले नहीं करूंगी। आपने चोरी की और आपने वापस माफी मांगा और वापस दे रहे हो, तो मैं आपको एक गिफ्ट देना चाहूंगी। ये लो, आप इसमें कुछ भी रख सकते हो। दीदी आपकी वॉश दीदी। सॉरी दीदी, मैं एक बार ठीक है। थैंक यू, आर वेरी गुड बॉय। बाय। थैंक यू दीदी। बाय दीदी। ठीक है फ्रेंड, आप इस वीडियो से क्या सीखा है? कभी भी हमें चोरी नहीं करने चाहिए फ्रेंड्स, और हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना। ओके बाय।